प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। 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 प्रियतम, ओ प्रियतम। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। जब भी अमावस्या आती तो उस गांव के लोग कांप उठते हैं। पहले जो आचार विचार थे वे लोग उसे पालन कर रहे थे, बलि भी दे रहे थे। कुछ लोग अंधविश्वास कहते थे तो कुछ लोग भूत प्रेत कहते। उस भूतों के मार्ग में कुछ दिन पहले जब रोड दुर्घटना हुई तब से लोग और भी डरने लगे, क्योंकि जहां दुर्घटना हुई वहां पर कोई शव नहीं मिली। एक महीना हो गया पुलिस वाले हर जगह शव की खोज किए पर वह शव नहीं मिली। लेकिन मधेरा गांव के लोगों का कहना है कि ये काम भूतों का ही है। अरे तुमने टीवी क्यों बंद कर दी? टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑन करो ना। तुम्हारा क्या, कल से वीकेंड एंजॉय करोगे? मुझे नाइट शिफ्ट करना है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूं। मधेरा पवन का गांव है ना, इसलिए ध्यान से सुन रहा था। हाँ पवन का ही गांव है, पर पवन अभी तक ऑफिस से नहीं आया। नहीं वीकेंड है ना, ऑफिस से सीधे अपने गांव चला गया। तुम सो जाओ, मैं अपने कमरे में जाकर बाकी का समाचार सुनता हूं। बाय। ठीक है बाय। अगली सुबह नाइट शिफ्ट खत्म कर राम हॉस्टल आकर सो गया। हेलो पवन, बोलो। अरे राम, बहुत अर्जेंट है, तुम्हारी मदद चाहिए। क्या करना है? कुछ नहीं, मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, मैनेजर कॉल करके अभी बताया। अच्छा कॉन्ग्रेट्स। थैंक्स राम, पर तुरंत ही हेड ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना जरूरी है, इसलिए आज रात को मुझे चेन्नई जाना है। तो मुझे क्या करना है? मैं अपना लैपटॉप हॉस्टल रूम में छोड़ दिया हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तुम्हें मेरा हेल्प करना होगा। ठीक है लाऊंगा, पर क्या है ना मैं नाइट शिफ्ट करके आया हूँ, थोड़ी देर आराम करके आता हूँ। ओके ओके, थैंक यू भाई। हाँ पवन बोलो। कहाँ तक पहुँचे? मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ हूँ। जल्दी आओ, अंधेरा हो रहा है। घबराओ मत, आ रहा हूँ अभी। तुम्हारे ट्रेन के लिए तो काफी वक्त है ना, यहाँ से तुम्हारा गांव 70 किलोमीटर है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे। अरे हमारे गांव के रास्ते में अंधेरा होने पर कोई नहीं रहता, और आज अमावस्या भी है। पिछले महीने अमावस्या के दिन ही एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली, इसलिए अंधेरा होने से पहले आ जाओ। डरने की कोई बात नहीं, मैं तो बस से ही आऊंगा ना। मेरे गांव के लिए बस की सुविधा नहीं है, हाईवे से उतरकर 30 किलोमीटर जंगल के मार्ग से होकर आना होगा। ऑटो रहेंगे पर अंधेरा होते ही उस मार्ग से कोई नहीं आएगा। ठीक है तो फिर तुम्हारे बाइक का की कहाँ है बताओ, मैं बाइक से ही आ जाऊंगा। कल ऑफिस जाते वक्त बाइक पंचर हुआ था तो मैं मस्तान के शॉप में बाइक देकर चला गया, चाबी उसी के पास होगा। ठीक है तो फिर मैं 1 घंटे बाद आता हूँ।
अरे अगर तुम्हें सोना हो तो यहाँ पर आकर हमारे घर में सो जाना, जल्दी से आओ। अरे बाप रे, हमारे गांव का रास्ता भूतों का रास्ता है। कोई भूत भूत नहीं है। क्यों रे, तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? अरे पवन, चर्च मस्जिद मंदिर कहकर जिसका एड्रेस वो भगवान ही मुझे कभी दिखाई नहीं दिए, इसलिए मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है। वो भूत जिसका कोई पता ही नहीं और मुझे कभी दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं भूत नहीं मानता। किसने कहा एड्रेस नहीं है? शमशान घाट, बरगद का पेड़, पुराने घर, हमारे गांव का रास्ता, भूतों का एड्रेस ही तो है। ठीक है ठीक है, समय बर्बाद मत करो, मैं आ रहा हूँ। मस्तान, मेरे दोस्त का गाड़ी रेडी हुआ? नहीं साहब, 10 मिनट बैठिए, बना दूंगा। किसने कहा एड्रेस नहीं है? शमशान घाट, बरगद का पेड़, पुराने घर, हमारे गांव का रास्ता, भूतों का एड्रेस ही तो है। सर गाड़ी रेडी हो गई। इतनी रात को लिफ्ट मांग रहा है? ऐसे भी अजनबी को लिफ्ट देना रिस्क है। नहीं बाबा। से पहले वो यहां कैसे पहुंचा? मैं 10 किलोमीटर आगे आ चुका था। मेरे आगे और मेरे पीछे एक भी तो गाड़ी नहीं थी, पर वो मुझसे पहले कैसे पहुंचा? बचाओ! अरे बाप रे! साहब साहब, गाड़ी तैयार है। तैयार है? अरे बाप रे! साहब कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी में है? पवन के गांव जा रहा हूँ, मथुरा। बस अभी पहुंच रहा हूँ, और बस 30 किलोमीटर। पर तुमने अपने घर का पता नहीं बताया।
घी का व्यापारी शंकर के पोते का घर पूछने पर कोई भी बता देगा, पर राम अंधेरा होने पर थोड़ी सावधानी से आना। पवन, हेलो, आवाज नहीं आ रही। घी का व्यापारी शंकर का घर, उसके बाद तुमने क्या कहा? अगर कोई पुकारे तुम पीछे मुड़कर मत देखना, मैं यही कह रहा हूँ। पवन, पवन, हेलो, आवाज कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गांव पहुंचते ही कॉल करूंगा, बाय। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना।